Hello guys, hope you all are doing good. So this is your next class of basic of computer. So कल हमने पढ़ा था, introduction पढ़ा था, definition वगैरह पढ़ा थी digital computer की. उसके बाद उसका model पढ़ा था, architecture जो था, ठीक है, उसकी functioning पढ़ी थी. ठीक है, next जो हमारा आता है वो है type of digital computer. ठीक है, digital computer को कौन कौन से type है. तो last जो हमने पढ़ा था semester, उसमें भी हमने पढ़े होंगे, चार type होते हैं हमारे digital computer के. ठीक है, micro, mini, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर. ठीक है, ये चार टाइप थे हमारे किसके, कंप्यूटर के. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिजिटल से फॉर्म चेंज कर दी कि हम अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से, जो जो डेटा है वो उसको जीरो और वन की फॉर्म में एक्सेप्ट करें. ठीक है, जीरो और वन की फॉर्म में जो होते हैं वो होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है, तो सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम मुझे पता है, याद है कि मैंने मतलब तुम्हें माइक्रो कंप्यूटर से पढ़ाया था, वो दूसरी बुक थी शायद, इसमें यहाँ से सुपर कंप्यूटर से दिया, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. सुपर कंप्यूटर हमारे कौन से होते हैं, सबसे जो ह्यूज साइज के, सबसे जो बिग साइज के जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो इसमें हमारा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, यूज़ हमारे साइंटिफिक पर्पज़ के लिए. ठीक है, जैसे कि जो वेदर की फोरकास्टिंग वगैरह होती है. ठीक है, वेदर के बारे में जो भी जानकारी, जो भी निकाली जाती है इंफॉर्मेशन, वो सारी किसके थ्रू, सुपर कंप्यूटर के थ्रू. जो भी हमारी रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह होती है, या फिर रॉकेट साइंस वगैरह, या फिर अपना मतलब जितना भी साइंटिफिक वर्क है, ठीक है, अर्थ साइंस हो गया, रॉकेट साइंस हो गया, मतलब जितना भी साइंटिफिक फील्ड में जो भी वर्क हमारा जो चल रहा है, उसकी हेल्प से सुपर कंप्यूटर. क्योंकि सुपर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत ही ह्यूज होती है, जो स्पीड होती है वो भी बहुत फास्ट होती है. ठीक है, तो उसके लिए मतलब जो भी हम एडवांस जो काम कर रहे हैं, एडवांस जो रिसर्च वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या चाहिए कि साइज है हमारा उसकी प्रॉब्लम ना आए, स्पीड की हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर. ठीक है, तो फंक्शन क्या है, सॉल्विंग डिफेंस प्रॉब्लम. ठीक है, डिफेंस में जिस तरह से यूज़ हो रही है, वेदर रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन्स वगैरह, हेल्पिंग मेकिंग फिल्म्स वगैरह, वेरियस रिसर्च, इनमें सब में क्या यूज़ हो रहा है, सुपर कंप्यूटर. ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवांटेज और लिमिटेशन. एडवांटेज में हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है उनको परफॉर्म, उनको इजीली सॉल्व कर देता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है उनको भी परफॉर्म कर देता है, सॉल्व कर देता है. ठीक है, लिमिटेशन में हमारा क्या है कि सिर्फ स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए गए, यूँ नहीं है कि कोई भी जाके यूज़ कर ले, हम जाके कि नहीं हम तो सुपर कंप्यूटर यूज़ कर नहीं कर सकते. ठीक है, तो स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जो साइज़ है वो काफ़ी ह्यूज होता है, और जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मेमोरी हमें चाहिए और ज़्यादा अगर हमें स्पीड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके एग्जांपल्स हैं, तो ये याद हो जाएंगे आपको, परम और अनुराग. ठीक है, जो परम है वो पहला सुपर कंप्यूटर हमारा माना जाता है. ठीक है, तो ये हमारा था सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये जनरली यूज़ होते हैं बिजनेस, मतलब कंपनीज वगैरह में, कंपनी वगैरह में जो सिस्टम यूज़ होते हैं. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप लेके बैठ गए वर्क परफॉर्म कर लिया. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब लोग होते हैं, काफ़ी सारे सिस्टम एक सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमारे जनरल पर्पज पीसी यूज़ होते हैं. तो जनरल पर्पज जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर. ठीक है, जैसे कि कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, मेनली हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, रेलवे रिजर्वेशन में, तो ये हमारे कौन से यूज़ होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर. इसके फंक्शंस कौन से हैं, डिफरेंट जॉब इन बिग हॉस्पिटल्स, डिफरेंट जॉब इन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एयरलाइन रिजर्वेशन, बिजनेस एक्टिविटीज़ इन बिग कंपनीज. ठीक है, तो ये सारी इसके क्या है फंक्शंस. एडवांटेज क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव जो है उनके लिए यूज़ हो जाता है, मोस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्पीड है वो फास्ट होती है. ठीक है, सुपर कंप्यूटर से कम होती है, फिर भी क्या होती है, स्पीड उनकी फास्ट होती है, और जो डेटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में वो हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, लिमिटेशंस भी हैं कुछ इसकी. लिमिटेशन में क्या है कि साइज़ है वो काफ़ी लार्ज है, वही साइज़ की प्रॉब्लम है, तो पोर्टेबल नहीं है ये. ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जो प्राइस है वो भी काफ़ी हाई है स्टिल. ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी, तो एग्जाम्पल्स इसके इस तरह से हैं. नेक्स्ट जो हमारा था वो आता है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर हमारा जो होता है वो मतलब जो मेन फ्रेम है उसके बाद आता है. तो ऑर्डर में अगर हम याद करना चाहें तो ऑर्डर से याद कर सकते हैं. जैसे देखो, इस तरह से हमने बना लिया, जैसे यहाँ पे सुपर कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे मेन फ्रेम, यहाँ पे मिनी, और यहाँ पे माइक्रो. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम सारे. तो अगर हम बात करें किसकी, स्पीड की, तो स्पीड हमारी डाउनवर्ड जा रही है. ठीक है, यहाँ पे सबसे कम, फिर इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है. सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो हाईएस्ट होती है. अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो वो भी हमारी इस तरह से ही है. सबसे कम कॉस्ट होती है हमारी मिनी कंप्यूटर की, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर की, फिर मिनी की, फिर मेन फ्रेम की, फिर सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट है सबसे ज़्यादा. स्पीड भी ऊपर से नीचे, मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रही स्पीड भी, और कॉस्ट भी. ठीक है, और साइज़ भी हमारा इसी तरह से बढ़ रहा है. ठीक है, तो स्पीड, साइज़ और क्या बढ़ रहा है हमारा,
स्पीड, साइज और कॉस्ट, ठीक है, वो किससे, माइक्रो कंप्यूटर से स्टार्ट होके सुपर कंप्यूटर तक जाती है। तो ये ऑर्डर आपको याद करना, उसी ऑर्डर में आपने सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो जो मिनी कंप्यूटर है वो हमारा क्या है, इसके जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, बट द स्पीड इज बेटर देन द माइक्रो कंप्यूटर, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है इनकी स्पीड और जो मेन फ्रेम है उनसे कम कम होती है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में यूज़ हो जाते हैं ये। एडवांटेज क्या है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अच्छी होती है इनकी, ठीक है, और जो स्पीड है वो भी लेस होती है, सॉरी जो लिमिटेशन है उसमें क्या होगा, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे इसकी जो स्पीड है वो लेस होती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लेना, अपने याद कर लेना एग्जाम्पल्स में हमारा, इसमें भी आई बी एम का है, पी डी पी है 11 and 45, ठीक है, और एक मैगनम, ये आ जाता है, मैगनम पूछा गया है काफ़ी सारे क्वेश्चन में, मतलब जो एक नंबर वाले आते हैं कि जो मेन फ्रेम है या फिर मैगनम है वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो आता है मिनी कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है वो हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कौन से होते हैं जो हम जनरली हम यूज़ करते हैं, हमारे पर्सनल पी सी जो होते हैं, ठीक है, टू टाइप के होते हैं हमारे, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं। डेस्कटॉप कौन से होते हैं, जो हमारे पीसी जो पहले यूज होते थे टेबल पे रखे रहते थे एक साथ में, जो हमारी लैब में है सारे, ठीक है, वो सारे क्या है हमारे डेस्कटॉप पीसी, ठीक है। और दूसरे हमारे होते हैं कौन से, पोर्टेबल, पोर्टेबल में हमारा आ गया जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप क्या हमारा पोर्टेबल है, ठीक है। और पीडीए, पीडीए क्या होता है हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि हम किसके नाम से जानते हैं, टैब के नाम से, ठीक है, ये टैब जो यूज़ होता है हमारा पीसी के फ़ोन के जैसा, ठीक है, साइज थोड़ा बड़ा होता है फ़ोन से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पीडीएफ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। सो उसके बाद फंक्शन इसके क्या है, कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है और प्रोफेशनल वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि प्राइस है वो लेस है बाकियों से, ठीक है, साइज़ है वो भी इसका कम है तो पोर्टेबल है इजीली, ठीक है। लिमिटेशन हैं इसकी कुछ, है कि जो स्पीड है वो लेस है, ठीक है, सबसे लेस स्पीड है वो हमारी किसकी है, माइक्रो कंप्यूटर्स की है। और मेनली क्या होता है कि सिंगल पर्सन यूज़ कर सकता है उसको, ठीक है, इतना होता नहीं है कि पूरी मैं एक लैपटॉप ले आऊँ और पूरी क्लास में दे दूँ कि तुम सब इस पर वर्क करना, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक सिंगल पर्सन के लिए ज़्यादा यूजेबल है, ठीक है। उसके बाद एक कंपैरिजन है इन सब का, ठीक है, साइज, स्टोरेज, कॉस्ट, कंपोनेंट और यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप याद करना, सुपर से हम जा रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर की तरफ। तो साइज़ है वो हमारा क्या है, सबसे लार्जेस्ट है वो किसका, सुपर कंप्यूटर का, फिर मेन फ्रेम का, फिर मिनी का और माइक्रो का, इस तरह से याद कर लेंगे। स्टोरेज भी हमारी इधर से इधर ही जा रही है। कॉस्ट है वो मोस्ट एक्सपेंसिव हमारे सुपर कंप्यूटर, और जो चीपेस्ट होते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का मतलब कि मतलब कितने सारे कंपोनेंट उनके साथ अटैच्ड हैं, जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना कि पोर्ट कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे, जैसे मिनी कंप्यूटर की हम बात करें, जो मिनी कंप्यूटर जो होता है उसके साथ हमारे जैसे काफ़ी सारे जो कंपोनेंट है वो यूज़ हो गए, ठीक है, ऑल कंपोनेंट इन सिंगल यूनिट। इसमें हमारा क्या ट्राई करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में हमारा कीबोर्ड भी साथ में अटैच होता है, माउस भी साथ में अटैच होता है, ठीक है, स्पीकर वगैरह हम अगर ब्लूटूथ से यूज़ करने की बात करें या फिर हेडफोन वगैरह यूज़ करें तो वो भी सारे इसी में होते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंगल यूनिट में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो इसलिए माइक्रो मतलब उसको छोटा कर दिया गया सारे कंपोनेंट्स के साथ अटैच करके, ठीक है। उसके बाद यूजेस किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ पे, साइंटिफिक में, रिसर्च में और वेदर फोरकास्टिंग में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और लास्ट इसका हमारा होम एंड ऑफिस। तो ये एक टेबल थी, याद करना, शॉर्ट याद करोगे तो फिर बाकी पेपर में लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बना के लिखोगे तो पेपर में आसानी रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने करवाया था मॉडल और फंक्शन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड में हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। नोट्स बना लेना अपने, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, उसके फिर लास्ट टाइम जाओ फिर अपने नोट्स देख के बस एक बार उसमें से पढ़ लेना। ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड वीडियो है, लास्ट टाइम पे पेपर से दो दिन पहले सारी 10-15 जितनी भी वीडियो मैडम ने डाली है एक दिन में पढ़ जाऊंगा और मैं पेपर क्लियर कर लूँगा, ठीक है। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, कल वाले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट जो होएगा तुम्हारा उसमें पढ़ेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और दोनों का डिफरेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन सेक्टर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मार्केटिंग एंड एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मैनेजमेंट, और उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट, ठीक है। दो लेक्चर और लगाऊंगी इसके, दो या एक, दो लगा लूंगी, चलो ठीक है, एक एप्लीकेशन और एक यूज़, ठीक है, ये करा देंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। बस वही ध्यान रखना अपना, घर से बाहर मत घूमना बेवजह, क्लासेस नहीं लग रही तो यूँ नहीं है, कहीं भी चले जाओगे, ठीक है। उन्हें बैठ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना, और अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर गंदा गया है तो ट्राई करना कि उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो अगर कम मार्क्स आते हैं तो आप दोबारा से अगर इम्प्रूवमेंट के पेपर दे सकते हो, या फिर अपना ये है कि वीक रह जाए वो सब्जेक्ट तो उसकी, चलो ठीक है, अगर पेपर पे मार्क्स कम है बट नॉलेज आपको अच्छी हो जाए, ठीक है, तो ट्राई करना नई चीज़ें सीखने की। यूट्यूब है, घर बैठ के ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, वहाँ से ट्राई करो कुछ नया सीखने की, ठीक है। और थोड़ा पैनिक ना हो, टेंशन ना लें, घर बैठे और अपने माइंड को शांत रखें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।